बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे। आज का अमल उन तमाम बहनों के लिए जिनके शोहर उनको धक्के देकर घर से निकाल देते हैं या फिर जुल्म और तशद्दुद करते हैं। ये तावीज़ इंतहाई ताकतवर और मुजर्रब है, इसे ज़रूर आजमाएँ। ये आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देगा। चैनल की तरफ बढ़ने से पहले आप तमाम बहन भाइयों को गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। इस तावीज़ के बेशुमार फ़वाद व कमालात हैं, सैकड़ों ने आजमाया और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ राहतें लौट आईं। एक खातून ने इस तावीज़ के बारे में अपना मुशाहिदा लिखा है कि मेरी बेटी का शौहर उसे बहुत तंग करता था और वो दिन भी आया जब मेरे दामाद ने बेटी को घर से धक्के देकर निकाल दिया। नौबत तलाक तक पहुंच गई। इस तावीज़ के कमालात पढ़ें। मैंने एक तावीज़ लिखकर वज़न के नीचे रख दिया और एक तावीज़ पानी में डालकर अपनी बेटी को पिलाना शुरू कर दिया। अल्लाह के फजल से तावीज़ ने अपना काम दिखाया और मेरा दामाद मेरी बेटी को मिलने खींचा चला आया, जिसने एक अरसे तक उसकी खबर न ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से कल ही मेरा दामाद अपनी बीवी को हमराह ले गया। ये तावीज़ अज़दवाजी रिश्ते को मजबूत करने के लिए बहुत लाजवाब है, फौरी नतीजा मिलता है। चलते हैं अमल के तरीक़ेकार की तरफ। ये नक्श आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये तावीज़ लिखकर पानी में मिला दें, इस पानी को पिएं और पिलाएं। अगर पिला नहीं सकते तो लिखकर वज़न के नीचे रख। वज़न से मुराद ये है कि आप किसी भी भारी चीज़ या पत्थर वगैरह के नीचे रख सकते हैं। और सबसे अहम बात कि तावीज़ को सिर्फ़ घुलने वाली स्याही से लिखना है।